हमने अब अपनी स्लाइड नंबर जो 5 है इसको डिस्कस करना है। मैं बेसिकली समझता हूँ कि ये जो स्लाइड नंबर 5th है, ये अगर मुझे आपको क्लास में पढ़ानी होती तो ये जो आपका लेक्चर नंबर जो 12 है ये उसकी आखिरी स्लाइड है, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 जो है वो एक आवर का ही है, तो उसके जो बाकी जो आधा घंटा या 40 मिनट जो हैं वो हम बेसिकली इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हम फिज़िकली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस लिए जो है उस किस्म की डिस्कशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उस किस्म की डिस्कशन ऑब्वियसली अगर आपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर करनी हुई तो हो सकती है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आपने उसमें इंटरेस्ट लेना, ठीक है। हम उसमें फिजिकल एग्जांपल्स जो है ना डिस्कस करते हैं आमतौर पे। बच्चों को मैं बताता हूँ कि डिज़ाइनिंग जो है उसमें कैसे कैसे जो है आप टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर आपने उसकी डिज़ाइनिंग में अगर आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटी को इक्वेट करना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जनरली लोग जो हैं वो, चूँकि मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो इसी इसी किस्म का है, तो मैं उसमें उसको यूज़ करके बताता हूँ कि आपने अगर कोई 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 किनार डिज़ाइन करनी है और उसमें आप चाहते हो कि यूनिफॉर्म फ्लो हो तो हम कैसे उसको जो है वो डिज़ाइन करते हैं, या इस तरह की बातें, ठीक है। लेकिन अब चूंकि फिज़िकली हम आपस में है नहीं है तो बाकी फिर आपने अगर उसमें मज़ीद कोई जो है ना एग्जाम्पल पूछनी हुई तो आप मेरे से जो है ना वो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा मंडे वाले दिन, तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें लेक्चर नंबर 12 के अंदर ये जो है हमारी स्लाइड जो अब है 5th, ये इंपॉर्टेंट भी है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड ऑफ लेक्चर नंबर 12, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक्सटेंड करूँगा आगे लेक्चर नंबर 13 के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल के साथ, 14 के अंदर लेक्चर नंबर 13 के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड के अंदर उसने बताया हुआ है कि अगर आपने यूनिफॉर्म फ्लो को जो है इस्टेब्लिश करना हो तो आप कैसे करते हो, ठीक है। अच्छा देखो, हमने अभी लास्ट जो है वो ये जो स्लाइड अभी हमने बनाई थी हमने इसके अंदर पढ़ा हुआ है, मैं इसी इसी को ही यूज़ करूँगा। देखो, जितना स्लोप जो है चैनल की बॉटम का ज़्यादा होगा उतना ही जो है जो आपका वाटर है वो तेज़ी के साथ मूव करेगा। ये क्लियर हुआ ना, इन सारी जो है वो एग्जाम्पल्स मैंने जो ऊपर दी हुई हैं पता है, ये चैनल हो जाए ये हो जाए जो नीचे वाला है, कि जिस चैनल का भी आप स्लोप बढ़ा दोगे तो आप हमेशा उसके ऊपर जो फ्लो करने वाला वाटर है वो भी उतनी ही तेज़ी के साथ जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमने पढ़ी है वो क्या है कि विद द इंक्रीजिंग स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इंक्रीजेस, ठीक है। ये हमने पहली बात पढ़ी है इसके अंदर और हमें नज़र भी आता है ये चीज़, हमने इसके ऊपर पढ़ा भी हुआ। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लूँ क्योंकि फिलहाल जो है वो थोड़ी सी पेस बनानी पड़ेगी उनको समझाने के लिए उस 5th स्लाइड नंबर 5th को, तो मैं वो पेस बना रहा हूँ। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, जितनी स्लोप ज़्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होनी है, हमें पता है इस बात का, हमें नज़र भी आता है अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल्स को देखें तो, ठीक है। अच्छा, ई वाई कर्व से जो ई वाई कर्व है, हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट लेक्चर में कि उसकी कोई बात नहीं होगी, लेकिन जस्ट एक उसको जो है वो बहुत ही एक उसका ब्रीफ सा जो है ना वो उसको डिस्कस करेंगे कि ई वाई कर्व से आपने क्या सीखा है कि विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी द फ्लो विल अकर इन सुपर क्रिटिकल रीजन, कि जो ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो हमेशा फ्लो जो है वो किस जो है रीजन में होगा, ई वाई कर्व की हम लोगों ने पढ़ा है कि वो जी होता है सुपर क्रिटिकल रीजन के अंदर, ठीक है। हमें बेसिकली फ्रूट जो आपका फ्रूट नंबर है वो भी बताता है कि फ्रूट नंबर, यार मैं उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे दोबारा से, फ्रूट नंबर जो है वो क्या होता है, फ्रूट नंबर होता है इक्वल टू वी वेलोसिटी ओवर अंडर रूट ऑफ, या जिसको मैं अंडर रूट को मैं जो है ना साइन नहीं पुट कर सकता तो मैं स्केयर रूट लिख रहा हूँ, स्केयर रूट ऑफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू एल विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ,
ये फार्मूला है रूट नंबर का, आपने पढ़ा हुआ इसको, ये स्केयर रूट, SQRT मतलब स्केयर रूट का साइन है ये वाला, इन दोनों के ऊपर, जी और एल के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो वी ऊपर है, वो क्या शो करवा रही है, वो शो करवा रही है वेलोसिटी को, तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही फ्रूट नंबर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर फ्रूट नंबर की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाए तो फ्लो क्या होता है, फ्लो जी सुपर क्रिटिकल है। तो हमने ये सीखा कि जितना आपका जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, देर आर मोर चांसेस कि फ्लो जो है हमारा कहाँ पे होगा, वो सुपर क्रिटिकल जोन में होगा, हमने इसको पढ़ा हुआ, ठीक है। अच्छा अब इसको ईवा कर्व में भी देख लेते हैं, आदो क्या वो कर्व यहाँ मेरे लिए बनाना बड़ा मुश्किल है, टाइम लग जाएगा उसमें, तो यहीं भी मैं देख लूँ, मैंने लेक्चर नंबर जो है वो जो पिछले पढ़ाई थी आपको, ये देखो ये ईवा कर्व है, ये ऊपर वाला जोन जो है इसमें देखो डेप्थ जो है इस जोन में ज़्यादा है, और हमने पढ़ा हुआ है कि डेप्थ जो होती है, हमने पढ़ा हुआ है इस बात को अगर याद हो तो, अल्लाह करे याद हो, कि डेप्थ जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कि आपकी डेप्थ जो है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, कि आपकी डेप्थ जो है वो इन्वर्सली, कि जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। अब देखो इस सेक्शन में डेप्थ ज़्यादा है, इस सेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और फ्लो क्या है इसमें, सब क्रिटिकल। इस सेक्शन में डेप्थ कम है, देखो वाई एक्सिस के ऊपर डेप्थ है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस रीजन के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर डेप्थ जो है वो इस रीजन के नीस पर जो है वो क्या है, वो कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसमें, ज़्यादा होगी। और वैसे पता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो में वेलोसिटी जो है ज़्यादा ही होती है, तो इस रीजन के अंदर, नीचे वाले रीजन के अंदर जो फ्लो है वो क्या होने के चांसेस हैं, वो सुपर क्रिटिकल होने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हमने हमने बेसिकली जो है ना पहले पढ़ा। अच्छा अब जो है आपकी वेलोसिटी कम होनी है या ज़्यादा होनी है, आपकी वेलोसिटी कम होनी है या ज़्यादा होनी है, ठीक है, मैं इसको उर्दू में लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आपकी वेलोसिटी कम होनी है या ज़्यादा होनी है, ठीक है, इट विल इंटायरली डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द चैनल, कि ये इंटायरली डिपेंड करता है आपके वाटर चैनल के स्लोप के ऊपर, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, कि आपने उसका स्लोप जितना ज़्यादा रख दिया उतनी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जितना स्लोप आपने कम रखा उतनी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसको भी मैं उर्दू में आगे लिख देता हूँ, कि जितना स्लोप ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक हो गया, और जितना स्लोप कम वेलोसिटी कम, ठीक है, सिंपल सी बात है ये वाली, ओके मूविंग ऑन। उसने तीन केसेस ना यहाँ पे डिस्कस किए हुए, मैं इसको इसको जरा मैक्सिमाइज कर दूँ इसको, कि देखो उसने तीन केसेस डिस्कस किए हुए। पहला केस क्या है, यहाँ पे आपने ऊपर नहीं देखना, जो कुछ ऊपर है भला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो इसको मत देखो फिलहाल, सिंपल चीज़ों को स्टार्ट करो। पहले ये क्या है, ये आपका सब क्रिटिकल स्लोप है, ठीक है, सब क्रिटिकल स्लोप का मतलब क्या है, कि आपके चैनल का जो स्लोप है वो सब क्रिटिकल स्लोप है, यानी कि उसके ऊपर जो स्लो फ्लो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो सब क्रिटिकल हो रहा है, ठीक है। ये जो पहले वाला जो केस था ना, जो टॉप वाला केस है, जो ये वाला केस है, इसमें बता रहा है कि जी आपका जो फ्लो है वो क्या हो रहा है, सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, क्योंकि आपका स्लोप क्या है, वो सब क्रिटिकल स्लोप है, तो सब क्रिटिकल स्लोप में वेलोसिटी सब क्रिटिकल होगी और फ्लो जो है अल्टीमेटली भी क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा। दूसरे वाला केस, यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो क्या है, वो क्रिटिकल स्लोप है, तो क्रिटिकल स्लोप हुआ तो फ्लो कौन सा होगा, क्रिटिकल फ्लो होगा, ठीक है ना, पता ना ईवा कर्व के अंदर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, जहाँ पे एनर्जी जो है सबसे कम होती है,
और वहाँ पे फ्लो ना सुपर क्रिटिकल होता है ना सब क्रिटिकल होता है, वहाँ पे सिर्फ फ्लो क्या होता है, क्रिटिकल होता है। ये दूसरे वाला क्रिटिकल केस है। थर्ड, यहाँ पे जो है कौन सा वाला आपका स्लोप है, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल स्लोप है, तो फ्लो क्या होगा आपका, सुपर क्रिटिकल होगा। ठीक है, तो ये सब है, ठीक है, ये क्रिटिकल है और ये कौन सा है, ये सुपर है, मैं इसको एस यू लिख देता हूँ, एस यू, सब क्रिटिकल और ये सुपर क्रिटिकल, ठीक हो गया, ये था स्लोप। अच्छा, अब आपको पता है ना कि ई वाई कर्व के अंदर, मैं साइड पे ई वाई कर्व भी खोल लेता हूँ, मैं साइड पे इसके जो है ना वो ई वाई कर्व भी खोल लेता हूँ, उसकी जरूरत है मैं साइड पे, मैं इसको सेव करूँ और इसको जो है साइड पे किया। ओके नाउ आई होप कि क्लियर हो, नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये देखो, तीन इसके इसके जो है ना वो आपके हिस्से थे ना, सब क्रिटिकल, ये क्रिटिकल जिसपे एनर्जी सबसे कम होती है, ये मिनिमम एनर्जी है, इससे कम एनर्जी इस पूरी चार्ट के ऊपर कहीं नहीं है, बाकी हर जगह पे एनर्जी जो है वो इस एनर्जी से ज़्यादा है, ऊपर वाला पॉइंट हो चाहे नीचे वाला पॉइंट हो, हर पॉइंट के ऊपर एनर्जी की जो वैल्यू है, इस वैल्यू से एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। ओके okay. तो हमने ये स्लोप लगाई, इसके ऊपर एक लाइन लगाई, ये क्या है, ये क्रिटिकल सीडीएल लिखा उसने, ये क्या है, ये है क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ठीक है ना, ये क्या है, ये है क्रिटिकल डेप्थ लाइन। ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन कौन सी है, जिसके ऊपर डेप्थ जो है वो क्रिटिकल जोन के अंदर रहती है, यानी कि ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है ये इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। अब आपका चूंकि फ्लो जो है वो क्या है, वो इस वाली स्लोप के ऊपर सब क्रिटिकल है, तो आपका जो जो फ्लो की डेप्थ होनी है वो क्या होनी है, वो इससे ज़्यादा होगी, ये है नॉर्मल डेप्थ लाइन, एन डी एल जो लिखा हुआ है दैट इज़ नॉर्मल डेप्थ लाइन, ये वो डेप्थ है आपकी जो कि फ्लो की एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। तो आपने देखा कि चूंकि आपका जो स्लोप था वो सब क्रिटिकल था, तो जो आपकी डेप्थ है वो क्या आई, वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा आई, और ये ई वाई कर्व भी इसको जो है ना वो शो करवाती है। ई वाई कर्व में भी शो होता है कि आपकी जो डेप्थ है क्रिटिकल डेप्थ इस पॉइंट के ऊपर, हमेशा सब क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ जो है वो इससे क्या होनी है, इससे ज़्यादा ही होनी है, ये पता है हमें इस बात का, ठीक है। अब इसमें जो है बेसिकली बताने वाली चीज़ जो है इसके अंदर वो एक और भी है, और वो है ये वाला जोन, इसको वो बोलता है ट्रांजिटरी जोन, यानी कि इसको ट्रांजिशन जोन एक तरह से जिसे बोलते हैं, कि ये ट्रांजिटरी जोन है, इधर फ्लो कौन सा होगा, वेरिड फ्लो का। वेरिड फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसकी डेप्थ जो है जल्दी जल्दी जो है ना वो चेंज कर रही हो, यानी कि डिस्टेंस के लिहाज से जो है ना वो चेंज कर रही हो, तो ये डेप्थ जो है यहाँ पे चेंज कर रही है, ये क्यों कर रही है, एक तो ये सवाल, और फिर एक दूसरा ट्रांजिटरी जोन जो है वो एंड पे बना हुआ है, ठीक है, इसी 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 जो है ना उसके अंदर, उसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि डेप्थ जो है ग्रेजुअली जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। हमने अभी दो बातों को डिस्कस करना है, ये तो सिंपल एक जो है ना वो यूनिफॉर्म जोन है, कि जब फ्लो यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या होना है कि आपकी जो नॉर्मल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होनी है, यानी कि नॉर्मल डेप्थ क्या है, जो एक्चुअल डेप्थ है आपकी, इसको भले आप एक्चुअल डेप्थ ही बोलो, कि इस मसले वाली बात नहीं है, कि आपकी नॉर्मल डेप्थ जो है वो आपकी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होनी है, चूंकि फ्लो है ही सब क्रिटिकल, तो ये तो होना ही होना है। अच्छा, ये क्या है, ये ट्रांजिटरी जोन जो है, ट्रांजिटरी जोन मेरा ये वाला जोन है, इस जोन में क्या है कि जब भी वाटर आता है ना, ठीक है, किसी मतलब सपोज करो, अजम्पशन ये है कि इस रीच, ये इस एक पूरी की पूरी रीच है जिसके अंदर आपका स्लोप जो है वो सब क्रिटिकल स्लोप है, इससे पहले वाला स्लोप जो है और इसके बाद वाला स्लोप जो है वो सब क्रिटिकल नहीं है, वो कोई और स्लोप है, समझ रहे हो ना, कि वो सब क्रिटिकल नहीं है, वो कोई और स्लोप है, क्लियर है। अच्छा, पहली बात तो ये वाली है कि चाहे वो कोई और स्लोप हो, हमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि वो स्लोप जो है वो सब क्रिटिकल से तो ज़्यादा ही होना है, वो या तो भाई क्रिटिकल हो सकता है और या क्या हो सकता है, सुपर क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर नहीं वाली बात, कि अगर सब ये जो है रीच, ये सब क्रिटिकल रीच है, इससे पहले वाला जो फ्लो है वो रीच जो है,
वो क्या हो सकती है, या तो भाई सुपर क्रिटिकल उसकी उसका स्लोप हो सकता है या फिर सिर्फ क्रिटिकल स्लोप हो सकता है। दोनों केसेस के अंदर हमें हम ये जानते हैं कि जब भी पानी ने इसके अंदर आना है, जब भी वाटर जो है वो इसके अंदर जो है वाटर जो है वो आएगा, तो हमेशा उसकी जो डेप्थ भी वेरी करेगी और उसकी डेप्थ के वेरी करने के साथ जो है वो वेलोसिटी भी वेरी करेगी, ठीक है ना। तो ये जो है ये उस वेरिएशन को जो है ये वाला जोन जो है कंपनसेट करेगा। ये ऐसा ही है कि जैसे आप एक दफा ना मोटरवे पे चढ़े हुए हो और आप मोटरवे उतरे हो, ठीक है, एकदम से गंदी रोड पे आए हो, तो थोड़ी देर आपको जो है अपनी वेलोसिटी जो है दोबारा से मेंटेन करने में जो लगती है, ये वही उसी किस्म की जो है ये जोन है कि इस जोन के अंदर लिक्विड ने अपने आप को जो है एडजस्ट किया है टू द स्लोप, ठीक है ना। ट्रांजिटरी जोन कौन सा जोन है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो ये वो जोन है जिसके अंदर फ्लो जो है अपने आप को स्लोप के साथ जो कि चेंज शुदा स्लोप है। देखो पहले स्लोप कुछ और था, अब स्लोप क्या है, सब क्रिटिकल स्लोप है। पहले कोई स्लोप भी था, नहीं पता कि वो क्या स्लोप था, वो क्रिटिकल भी हो सकता है, सुपर क्रिटिकल भी हो सकता है, जो मर्जी स्लोप हो, लेकिन अब स्लोप उसका जो है ना वो क्या है, वो सब क्रिटिकल है। स्लोप चेंज होने के लिए उसको जो एडजस्ट करना पड़ता है, उस एडजस्टमेंट को जो है हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटरी जोन है। अब चूंकि वेलोसिटी चेंज हुई है इसकी यहाँ पे आने के बाद, जो भी स्लोप हो पहले, अब जब उससे वो सब क्रिटिकल के अंदर आएगा तो क्या होगी, स्लोप चूंकि चेंज हुआ है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। और हमें ये पता है ईवा कर्व से कि जब वेलोसिटी चेंज हो तो चूंकि वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के, तो डेप्थ भी चेंज हुआ करती है, ठीक है। तो वो उसको एडजस्ट करने के लिए जो है ना वो जो जोन है उसके वाला, वो उसको जिसमें वो एडजस्टमेंट कर रहा होता है लिक्विड अपने आप को, उसे हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिटरी जोन है, ठीक है, हो गया। और फिर उसके बाद जब उसने यूनिफॉर्म फ्लो पकड़ लिया तो नॉर्मल डेप्थ उसकी ऊपर चली गई और क्रिटिकल डेप्थ उसकी नीचे आ गई। फिर एंड पे ये सिर्फ केस जो है ना ये सब क्रिटिकल की मरतबा है कि उसका भी एंड पे फिर जाके एक ट्रांजिटरी जोन बनता होता है। अच्छा ये जोन क्यों बन रहा है ट्रांजिटरी जोन, ये बेटा इसलिए बनता होता है कि अब जब कभी भी लिक्विड ने जो है वो दोबारा से जो है किसी और स्लोप पे जाना है, अब जो भी स्लोप है इसके बाद वाला वो इस वाले स्लोप से क्या होगा, ज़्यादा ही होना, ठीक है ना। हमेशा जो भी स्लोप जो है सब जो सब क्रिटिकल स्लोप है दैट इज द लीस्ट स्लोप यू कुड ऑफर, ठीक है ना। इससे जो भी स्लोप बाकी होना है अगली रीच में वो क्या होना है, वो इससे ज़्यादा ही होना है। जैसे पहले वाला स्लोप इससे ज़्यादा था, वैसे ही अब वाला स्लोप इससे क्या होना है, अगले वाला स्लोप क्या होना है, इससे ज़्यादा ही होना है। क्योंकि सब क्रिटिकल से कोई नीचे वाला स्लोप तो वही हो ही नहीं सकता ना, उससे स्लोप ऊपर ही होना है, या तो क्रिटिकल हो सकता है या सुपर क्रिटिकल हो सकता है। तो जो भी स्लोप है जो कि इससे ज़्यादा है, तो हमेशा जब भी लिक्विड जो है वो फॉल करने लगता है तो ज़रा वो हाइड्रोलिक जंप और फॉल वाली बातें याद करो। तो मैंने बताया था कि जब भी लिक्विड ने जो है एकदम स्लोप को आप बढ़ा दो ना, तो वो अपनी प्रोफाइल को उस स्लोप पे जाने से पहले जो है वो थोड़ा नीचे करता होता है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, कभी देख लेना कि जब भी लिक्विड जो है फ्लो कर रहा हो और उसने अपने जोन में से निकल के किसी दूसरे आगे वाले जोन में जाना हो कि जिसका स्लोप ज़्यादा हो, हमेशा वो अपनी प्रोफाइल को उस जोन में इंटर होने से पहले थोड़ा सा एडजस्ट करता है, थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को वो नीचे की तरफ इन अ वे अपनी थोड़ी सी डेप्थ जो है वो रिड्यूस करता है, अपनी वेलोसिटी को थोड़ा सा जो है ना वो अपना इंक्रीज करता है उस जोन में जाने से पहले पहले, ठीक है ना। ये आप कभी इसको ऑब्जर्व कर लो, आपको नज़र भी आ जाएगा, और कभी ये झाल बनती है फैसलाबाद में कोई, यहाँ चले जाना आपको पता लग जाएगा कि वो झाल में जब पानी गिरने लगता है उससे पहले ही अपनी जो है वो जो उसकी वाटर की जो प्रोफाइल बनती है वो थोड़ी सी जो है वो क्या होती है कि उसकी डेप्थ जो है अपने आप को एडजस्ट करती है अगले आने वाली जो जो स्लोप है उसके मुताबिक, ठीक है। तो अगले आने वाली स्लोप के मुताबिक जब अपने आप को एडजस्ट करेगी तो ये थोड़ी सी नीचे की तरफ टिल्ट होगी, ठीक है। और जिस जहाँ पे ये प्रोफाइल नीचे की तरफ थोड़ी टिल्ट होगी उस जोन में जो वेलोसिटी है वो कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पिछले वाले जोन के। क्लियर है ये वाली बात, ये सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो मुझे दोबारा पूछ भी लेना, मैं बता भी दूंगा। अच्छा नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, वो क्रिटिकल स्लोप है। क्रिटिकल स्लोप पे भी जो है वो क्या है कि वेरी जो है ना वो बनता होता है, ठीक है, क्रिटिकल जोन के अंदर। अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि जी जब पानी इसके अंदर इंटर होना है तो उसने अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो स्लोप के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है। जैसे यहाँ पे था,
वैसे ही यहाँ पे ज़्यादा देखो ट्रांजिटरी जोन के अंदर ज़्यादा जो है ना हलचल है, यहाँ पे जो है थोड़ी सी कम है। उसकी एक वजह वो मैं आगे जाके जब बी एड करूँगा ना डिस्कस लास्ट वाला, तो फिर दोनों को इकट्ठे बताऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है ट्रांजिटरी जोन के अंदर जो है वाटर की जो जो ऊपर जो टर्बुलेंस आई है प्रोफाइल के अंदर वो कंपेरेटिवली कम आई है। इसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको बाद में वाली। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटरी जोन से बाहर आया, अब नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन दोनों एक ही जगह पे। क्या वजह है कि आपकी जो एक्चुअल डेप्थ है और जो क्रिटिकल डेप्थ है वो दोनों एक ही पॉइंट पे। ठीक है ना, क्योंकि क्रिटिकल स्लोप है ना, तो दोनों इसी जगह पे हैं आपकी आपकी एक्चुअल डेप्थ भी यही है, आपकी नॉर्मल डेप्थ भी यही है। तो इस वजह से इस वाले जोन के अंदर जो है ना वो क्या होना है कि नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर नीचे। अच्छा थर्ड वाला देखो, इसके अंदर कोई एंड पे जाके ट्रांजिटरी जोन नहीं है। क्यों वो जोन नहीं है? क्योंकि अगले वाला जो भी स्लोप है, ठीक है ना, अगले वाला जो भी स्लोप है, जब तक ये सब क्रिटिकल था ना, सब क्रिटिकल के आगे जो भी स्लोप आना है वो क्या आना है, वो उससे ज़्यादा ही होना है। समझ रहे हो इस बात को? अब यहाँ पे चूंकि क्रिटिकल है तो क्रिटिकल जो है वो, दूसरी बात बता दूँ मैं उसमें भूल ना जाऊँ कहीं, कि देखो हमेशा फ्लो जो है वो ऑन द एवरेज क्रिटिकल होता है, कभी भी एक लाइन नहीं बनती होती। फ्लो कभी थोड़ा सा क्रिटिकल लेंथ के ऊपर होगा, थोड़ा नीचे आएगा, ये वेवी टाइप बनता होता है ऐसे। ये इसमें बोलते हैं कि ये ऑन द एवरेज जो है ये क्रिटिकल है। हमें इससे कन्फ्यूज नहीं होना कि ये देखे देखे लाइन जो है ना ऐसी कोई वेवी क्यों है। इसे बोलते हैं कि ऑन द एवरेज फ्लो जो है वो क्रिटिकल होता है, कभी भी एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो नहीं रहता, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे जो है हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि फ्लो जो है ऑन द एवरेज जो है वो क्या है, वो क्रिटिकल है। दूसरी बात तो ये बोलने वाला था कि इसके एंड पे कोई ट्रांजिटरी जोन नहीं बनता होता। ठीक है, इसके एंड पे कोई जो है वो ट्रांजिटरी जोन जो है वो नहीं बनता होता। रीजन बीइंग कि इसकी जो आपकी क्या कहना चाहिए कि मुझे जो आपकी जो स्लोप है, जो ये आपकी क्रिटिकल स्लोप है, ठीक है, इसका जो क्रिटिकल स्लोप है, चूँकि इसकी जो पास जो डेप्थ है यार, इस मैं मेरा ख्याल है कि मैं इन दोनों को इकट्ठे बता दूँ, क्योंकि मैं वो फिर डेप्थ की बात करूँगा तुम फिर कन्फ्यूज़ हो गए, तो मैं इसको बता के जो है ना ये दोनों बातें करता हूँ, बातें इकट्ठी कर देता हूँ। थर्ड में आ जाओ, वो क्या है, सुपर क्रिटिकल स्लोप है। सुपर क्रिटिकल स्लोप में आप आए तो वही वाला जोन, पहला ट्रांजिटरी जोन है, ठीक है, उसके अंदर उसने अपने आप को एडजस्ट किया। आप देखो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो इन दोनों से ज़्यादा स्मूथ है, एडजस्ट हुआ और नॉर्मल डेप्थ लाइन जो है नीचे है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है वो ऊपर है, और ऑल द वे जो है ये नीचे से चला गया। इसका भी कोई नीचे एंड पे जाके कोई जो ट्रांजिटरी जोन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों नहीं है? सिर्फ यहाँ पे ट्रांजिटरी जोन था, ठीक है, एंड पे, इधर भी एंड पे नहीं है और इधर भी एंड पे नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात कि इधर जो है इधर की निस्बत, यानी कि क्रिटिकल जोन में और सुपर क्रिटिकल जोन में, सब क्रिटिकल जोन की निस्बत जो है वो कम जो है जरा टर्बुलेंस है, उसकी क्या वजह? ये दो दो पॉइंट डिस्कस आपसे करने। देखो जरा यहाँ पे गौर से, इसका आंसर यहाँ पे है। देखो जरा गौर से देखो इसको, जो आपका सब क्रिटिकल जोन है उसको मैं करता हूँ मैक्सिमाइज। जो आपका सब क्रिटिकल जोन है इसे कभी आप गौर से देखो, मैं जरा इसके लाइन लाइन भी इंसर्ट कर देता हूँ, अब अल्लाह करे कि लाइन इंसर्ट हो जाए। देखो एक पॉइंट ये है ना 1A, इसमें कितनी डेप्थ है, इसमें डेप्थ जी इसकी डेप्थ की वैल्यू ये सामने इसके आ रही है। ठीक है, अच्छा 2A के ऊपर जो डेप्थ है वो इसके सामने यहाँ पे आ रही है। ठीक हो गया, देखो कितनी ज़्यादा वेरिएशन है बाइक डेप्थ के अंदर इन सब क्रिटिकल जोन, लेकिन इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नीचे वाला जोन है जो कि सुपर क्रिटिकल जोन है, उसके अंदर कभी डेप्थ के अंदर वेरिएशन देखो, 1, 2A के जो पॉइंट नीचे है, ठीक हो गया, ये डेप्थ आ रही है, और जो 1B पॉइंट है जो कि ऊपर वाले के नीचे है, उसके अंदर जो है वो डेप्थ जो है वो क्या आ रही है, ये आ रही है। अब जरा ये खुद चेक करो कि ऊपर वाले में कितनी वेरिएशन ज़्यादा है डेप्थ की,
वो द सेम पॉइंट्स जो कि नीचे वाला जोन है, जो कि सुपरक्रिटिकल जोन है, उसके अंदर वेरिएशन जो है डेप्थ की कितनी थोड़ी है, कितना चेंज इन डेप्थ कितना थोड़ा है, ठीक है ना। यही हाल जो है वो क्रिटिकल जोन का है। क्रिटिकल जोन का तो मैंने पहले बताया ना, क्रिटिकल जोन की तो डेप्थ ही सिर्फ एक होती है, और वो भी डेप्थ जो है वो कभी भी मतलब कि हम एक्चुअल में कभी उसको ऑब्जर्व करें तो ये एक वैल्यू नहीं रहती, ये वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ऑन द एवरेज जो है हम बोलते हैं कि जी वो वेलोसिटी है, वो डेप्थ जो है ना वो क्रिटिकल डेप्थ है। मैं ये ऑन द एवरेज की बात भी अभी आपसे कर देता हूँ कि ऑन द एवरेज जो है ना इसका मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल मुझे इसको बताने दो पहले। देखो तो अब यहाँ पे जो है ये, चूंकि मैंने पहले बताया था कि पहले वो कहाँ से आया है पानी, किसी और स्लोप से आया है और फिर वो सब क्रिटिकल जोन में इंटर हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई उसकी, वेलोसिटी के साथ डेप्थ चेंज हुई। अब सब क्रिटिकल स्लोप के ऊपर जो चेंज इन डेप्थ है वो क्या होती है, हमने अभी पढ़ा यहाँ पे कि सब क्रिटिकल जोन में जो है दो पॉइंट्स के बीच में चेंज इन डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसी वजह से जो है यहाँ पर टर्बुलेंस जो है वो ज़्यादा है, ये उसी को शो करवा रहा है, ठीक है। उससे कम जो है वो कहाँ पे होती है, उससे कम होती है किस जोन के अंदर होती है, आपके सुपर क्रिटिकल जोन में होती है, ठीक है। और यही हाल जो है वो क्या होता है, वो क्रिटिकल जोन को आता है। क्रिटिकल जोन को तो वैसे मैंने पहले बोल दिया कि ऑन द एवरेज जो है फ्लो क्रिटिकल होता है, कभी भी जो है ना वो हम ये नहीं कहते कि जो फ्लो है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर है, ठीक है ना। इससे मेरी मुराद ये है कि सपोज करो कि आपकी जो क्रिटिकल डेप्थ है ना इसकी वैल्यू है, मैं सपोज करवाता हूँ, इसके ऊपर तो ये नहीं आएगी मेरा ख्याल है, मैं बोर्ड नोट्स के ऊपर ही देता हूँ आपको। सपोज करो कि जी आपकी क्रिटिकल जो डेप्थ है ना किसी भी पॉइंट की वो बनती है, क्रिटिकल डेप्थ जो है ना आपकी वो बनती है 4.5 मीटर, ठीक है ना। आप कभी फील्ड के अंदर जाओगे ना और जाके क्रिटिकल डेप्थ फाइंड करोगे, आप डेप्थ फाइंड करने के लिए आपने अपना स्टॉप रॉड रखा है कैनाल के अंदर, तो जो आपकी डेप्थ आएगी ना वो डेप्थ कभी आएगी 4.3, ठीक है ना, कभी आएगी 4.7, कभी आएगी 4.5, ठीक है 4.5, कभी आएगी डेप्थ आपकी 4.4, कभी आएगी डेप्थ आपकी 4.6। तो आप देखो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये किसके अराउंड जो हैं वो घूम रही हैं, ये इन सबका अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो इन सब की जो एवरेज आएगी वो क्या आएगी, वो 4.5 आएगी। तो हम कहते हैं कि जी ऑन द एवरेज जो डेप्थ है वो क्या है, वो 4.5 है। इसीलिए हमेशा जो है जब जब भी क्रिटिकल जोन की आप जो है ना डेप्थ को रिप्रेजेंट करोगे ना कहीं भी, तो आप ऐसी एक वेव शेप बनाओगे कि ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन के ऊपर नीचे हो रही हो और ये शो करवा रहा हो कि ऑन द एवरेज जो फ्लो है वो क्या है, वो क्रिटिकल है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात तो नहीं कि मतलब हम कहते हैं कि डेप्थ कभी भी जो है ना एक पॉइंट पे नहीं रहती, क्रिटिकल डेप्थ जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है, ऑन द एवरेज जो है ना वो क्रिटिकल होती है, तो हम इसलिए जो है ना इसको जो है वो शो भी जो है उसी तरीके से करवाते हैं, ठीक हो गया, ये बात क्लियर है, ठीक है। एंड वाली बात जो है वो क्यों नहीं है, मैंने पहले बोल दिया कि जब आपका सब क्रिटिकल फ्लो जो है उसने आगे जाना होता है तो हमेशा वो अपनी अपनी प्रोफाइल जो है वो एडजस्ट करता होता है आगे आने वाले स्लोप के मुताबिक, जबकि ये काम क्रिटिकल और सब सुपर क्रिटिकल के अंदर जो है वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्रिटिकल जोन में डेप्थ जो है वो एक एक पॉइंट के आसपास ही घूमती है, और यही हाल जो है सुपर क्रिटिकल का है कि डेप्थ के अंदर चेंज जो है वो होता ही बहुत थोड़ा है, ठीक है। जैसे हमने इस EY कर्व के ऊपर आपको शो करवाया कि सुपर क्रिटिकल के अंदर जो चेंज इन डेप्थ है वो सुपर क्रिटिकल जोन के अंदर वो होती ही बहुत थोड़ी है, और क्रिटिकल जो सब क्रिटिकल जोन है उसके अंदर उतना ही डिस्टेंस हो एनर्जी के बीच में तो चेंज इन जो डेप्थ है वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये था बेसिकली आपका जो है वो ये तरीक़ेकार कि आपने अगर आपने जो है यूनिफॉर्म फ्लो को इस्टेब्लिश करवाना है तो आपने कैसे करवाना है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ दो चार बातें बोली हैं, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में उसमें पूछता होता हूँ इनके बारे में कि इसमें ट्रांजिटरी जोन क्यों है, ठीक है, इनका जो ट्रांजिटरी जोन है वो इसकी निस्बत जो है वो इतना कम जो है टर्बुलेंट क्यों है, तो इस तरह के सवाल मैं पूछता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने वो जो मैंने बातें बीच में बोली हैं आपने वो नोट कर ली होंगी, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं जो है ना वो दे दूँ एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो विद दैट अब हमारा ये लेक्चर नंबर जो है ना बेसिकली 12 का जो है वो एक वो
इसे मैं बोलता हूँ कि ये कन्वेंशनली हमारा ये उसका जो उसका कन्वेंशनली जो लेक्चर नंबर 12 है उसका ये आखिरी स्लाइड थी। नेक्स्ट जो है इसके साथ सारी मिलती है, तो मैं वो साथ में जो है ना आपको उनके ऊपर जो है वो लेक्चर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड।